श्रीमद्भागवतम दसवां स्कंद 35वां अध्याय श्लोक नंबर 25 25 और 26 आज करना है। हाँ यदुपति द्विरदराज विहारो यामिनी पतिरिवेश दिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतं मोचयन व्रज गवां दिनतापम् यदुपति विरदराज विहारो यामिनी पति इवेश दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतं मोचयन व्रज गवां दिनतापम्। अनुवाद मद भरे नयन वाले स्वसुहृद वृंद को कुछ सम्मान करते हुए बेर के परिपक्व फल के जैसे पांडु वदन श्री वनमाली सुतप्त सुवर्ण के कुंडलों की शोभा से कोमल कपलों को सौंदर्य दान देने वाले गजराज की मद माती चाल से विहरते श्री यदुराज सांझ के समय हास्य करते हुए प्रसन्न वदन श्री नंद नंदन जब ब्रज में पधारते हैं तो ब्रज तथा गौओं के अनंत दिन ताप को यामिनी नाथ चंद्र की तरह दूर करते हैं। तो यदुपतिर नंद नंदन कृष्ण नंद नंदन कृष्ण सांझ के समय वन से जब वापस लौटते हैं बंसी बजाते बजाते वनमाली गले में वनमाला पहने हुए हैं कान में कुंडल पहना हुआ है और कुंडल चमक रहा है मृदुगंधम मंडयन कनक कुंडलम लक्ष्म। उनका जो ये गाल है बहुत कोमल है चमकने वाला उसके ऊपर कुंडल पहने हैं तो कुंडल की शोभा बढ़ रही है उनकी गाल से। इस तरह से कृष्ण जब वापस आ रहे तो मुदित वक्त्र बहुत प्रसन्न वदन है मुदित मतलब प्रसन्न 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 चित्त से वो चारों तरफ देखते हुए आ रहे हैं सबको ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं सबको कृपा कर रहे हैं। दिनांत दिनांत मतलब सांझ के समय शाम को आते हैं तो कैसा लग रहा है यामिनी पति यामिनी का मतलब होता है रात यामिनी का मतलब होता है रात और यामिनी पति मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जिस प्रकार दिन के अंत में रात को जब चंद्रमा प्रकट होता है तो दिन का जो ताप होता है दिन में सूर्य का ताप से जो जलन है चंद्रमा की शीतल शीतलता से वो जलन दूर होती है। इसी प्रकार गोपियां कह रही है कि जो व्रज में रहने वाली गायों को श्री कृष्ण के दिन भर का जो श्री कृष्ण का विरह का ताप है दिन भर कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाए वो गाय जो गाय चरने नहीं जाती है उनके प्रति भी कृष्ण को प्रेम है। जो गाय चरने नहीं गई साथ में लेकिन घर में उनको रखा गया था उन गायों को
कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनको कृष्ण का विरह है, तो उन गायों को ब्रज की गायों के दिन के विरह के ताप को दिन तापम दूर करते हुए श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तो ये चंद्रमा के साथ और दिन तापम, ये दो शब्द आया, जिस प्रकार दिन के ताप को चंद्रमा उदय होकर के शीतलता से दूर करते हैं, इसी प्रकार व्रज के दिन भर के विरह व्रजवासियों के श्री कृष्ण शाम को आकर के दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण जो व्रज में लौट रहे हैं, उनका लौटने का कारण यही है। मुख्य कारण क्या है कि व्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हैं, उनको सांत्वना देना है, उनको शांति देने के लिए कृष्ण लौट रहे हैं। उनको कृष्ण को मतलब व्रजवासियों की याद है, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं और कृष्ण हमको याद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं सोचना। ये श्री गोपियां बोल रही है, यशोदा माता को भी समझा रही है कि कृष्ण को भी, यशोदा बहुत व्याकुल है कृष्ण के विरह में, तो गोपियां यशोदा माता को भी समझा रही है कि कृष्ण आपके लिए आ रहे हैं, आप लोग का दुख दर्द को कृष्ण समझ रहे हैं, याद कर, इसलिए जल्दी आने का प्रयास कर रहे हैं, वो लेट नहीं करना चाहते, कृष्ण भी जल्दी आना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है, रास्ते में विलंब होने का कारण क्या है? तो पहला विलंब का कारण क्या था कि जो उपदेवता है वो लोग उनका वंदन करने आए थे, पूजा कर रहे थे, नित्य करते गान करते, तो उनको सम्मान करना था कृष्ण। उसके बाद ब्रह्मा और शिव जी आ गए थे, ब्रह्मा शिव जी जब उनको वंदन कर रहे थे तो उनका भी कृष्ण का उनको सम्मान करना जरूरी था। इसके बाद व्रज के द्वार के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर जो नंद महाराज और बड़े बड़े वृद्ध गोप हैं वो स्वागत करने के लिए पधारे हैं, उनको भी कृष्ण को सम्मान करना है। ऐसे कि घर में आने में तो देरी होगा, यशोदा माता घर पे हैं इसलिए विलंब हो रहा है, तो ये कारण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण का आने का कारण यह है कि वो भक्तों का दुख को दूर करने के लिए वो आ रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। यहाँ पर द्विरद राज बिहारो, कृष्ण कैसे चल रहे हैं, गज मतवाले गज की गति से आ रहे हैं, जैसे हाथी हाथी की चाल, हाथी जिस प्रकार चलता है एकदम रिदम से चलता है, हाथी बहुत अपना ताल छंद से चलता है, धीरे धीरे चलता है, हाथी जैसी चाल कृष्ण चलते हुए बंसी बजाते बजाते आ रहे हैं, गज की गति से आ रहे हैं। गज गति मतलब हाथी की चाल से, गज गति क्यों, क्योंकि धीरे धीरे बंसी बजाते बजाते सबको आनंद देते हुए कृष्ण आ रहे हैं। तो ये था इस श्लोक का अनुवाद, अभी मेरे पास वो बुक नहीं है इसलिए मैं संस्कृत पढ़ूंगा और फिर आपको सुनाऊंगा इसका अर्थ है। ये गोस्वामी का प्रश्न तोषणी देखते हैं ना, या गायों का, गोपियों ने कहा कि गायों का दिन का विरह को दूर करने के लिए कृष्ण आ रहे, ब्रज गवा गायों का नाम लिया एक्चुअली गोपियों ने।
पूर्वदर्शित स्कांदोक्त अनुसार जादुरेषु सर्वेषु भवन्तु सर्वस्यापि गोकुलस्य परमाश्रयत्वेन परमाश्रयत्वेन परम प्रेमास्पदत्वं दर्शितं मुदितम् अत्रैव दुरन्तं परिच्छिन्नम् अपि तद अनिष्ट असंकारितुकं तद इच्छेद अहितुकं च व्रजगवां ताप ये गायों का नाम लिए गोपियों ने। एक्चुअली इसका मतलब गाय नहीं, इसमें गाय का नाम लिया, लेकिन गाय एक उपलक्षण है, मतलब ब्रज के सब लोगों का ताप को दूर करने के लिए कृष्ण आ रहे हैं, ये समझना। और वनमाली सबका अर्थ बता रहे हैं। वनमाली मतलब जो जंगल के पत्ते हैं और फूल है उनकी माला बनी हुई है, उसे वनमाली कहा गया कृष्ण। और वनमाली का अर्थ ये भी हुआ कि उन्होंने माला का चेंज हुआ, मतलब कृष्ण को नया नया माला बार बार पहनाया जा रहा है। तो एक बार एक माला पहनावा, फिर दूसरी माला पहनाई जा रही, इसलिए भी वनमाली कहा गया। का दर्शनी नहीं दिख रहा है। इदानीं तु नगर प्रांत पर्यंतम् आगतम तत्रापि किंचित विलंब से कारणम श्रृणुत्व। तो अभी कह रहे हैं कि कृष्ण नगर के प्रांत तक आ गए हैं, नगर के प्रांत तक पहुंच गए हैं, नगर के प्रांत में पहुंच गए हैं और फिर भी थोड़ा विलंब हो रहा है, उसका कारण बता रहे हैं। कारण क्या है? मदेना, मद से पित्रादि दर्शनोत्था आनंदन प्रेसिजन, वो तो हमने बताया कल, कल बता दिया था। इसका अर्थ क्या है, क्यों विलंब हो रहा है? क्योंकि सबसे मिल रहे हैं, सबसे प्रेम प्रेम के सबसे उनका विवल हो रहा है, कृष्ण सबको देख के विवल हो गए, इसलिए देरी हो रहा था। ठीक है, यही और कुछ नहीं श्लोक का तात्पर्य। मैं अभी अगला श्लोक को पढ़ता हूँ, सॉरी ना इसको देखने में टाइम लगता है, किताब नहीं है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 26। श्री शुक उवाच एवं रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीला अनुगायति रे मेरे यहाँ सुत चित्ता तन्मनस्का महोदया एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीला अनुगायति रे मेरे आसुत चित्ता तन्मनस्का महोदया एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीला अनुगायति रे मेरे अहसुत चित्ता तन्मनस्का महोदया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये राजन, ये
परीक्षित महाराज इस तरह से गोपियों का चित्त और मन केवल श्री कृष्ण में ही विराजमान है। ऐसी बड़बगानी गोपियां गोविंद प्रभु जी की लीलाओं का गान करती हुई दिन भर श्री कृष्ण में मग्न रहती थी और आनंद लेती थी। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं इस प्रकार। इस प्रकार का अर्थ ये पकड़ा है कि ऐसे प्रतिदिन एक दिन की बात बताई गई। एक दिन का लीला वर्णन किया। एक दिन कृष्ण ने सुबह से शाम तक वन में जो लीला की गोपियां उनका चिंतन कर रही थी, गोपियां उनका स्मरण कर रही थी। तो एक दिन का बात बताया गया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन डेली इसको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन होता था एवं इस प्रकार ब्रज स्त्रियों जो ब्रज में स्त्रियां थी गोपियां थी राजन ये परीक्षित महाराज कृष्ण लीला अनुगायती दिन भर कृष्ण की लीला गाते थे। रे मेरे मतलब इसी में उनका मन आनंद लेती थी गा करके। रे मेरे मतलब खेलना रमण करना। इस तरह से गाती थी और समय टाइम पास करती थी। अहसु अहसु मतलब दिन भर, अह मतलब दिन। तो सुबह से शाम तक गोपियां श्री कृष्ण की चिंता में इस प्रकार अपना समय बिताती थी। तत्चित्ता उनका चित्त जो था वो कृष्ण में ही डूबा रहता था दिन भर। तत्चित्ता और तन मनस्का और उनका मन भी कृष्ण में रहता था। महोदया महोदया मतलब महा महाभाग्यवान महाभाग्यवान। देखिए कृष्ण गीता में गीता की जो चतुश्लोकी गीता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो गीता का कौन सा है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जो श्लोक है गीता का, ये श्लोक का पूरे पूरा एकदम रिफ्लेक्शन है। इस श्लोक में पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है एक एक शब्दों का। देखिए कृष्ण क्या बोलते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा। तो यहाँ क्या लिखा है, तत्चित्ता। मत चित्ता कृष्ण बोलते जिनका चित्त मेरे में लगा हुआ है वो मेरा परम भक्त है। तो यहाँ मत चित्ता कृष्ण बोलते हैं और इस श्लोक में सुखदेव को समझ तत्चित्ता मतलब गोपियों का। तत् मतलब उनका, गोपियों का मन कृष्ण में उनका चित्त लगा हुआ है। मत चित्ता मदगत प्राणा कृष्ण बोलते हैं जिनका प्राण मेरे में है। क्या बोलते तन मनस का, जिनका मन भी और जिनका चित्त भी कृष्ण में है। तो बोधयंत परस्परम कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जिनका चित्त और जिनका मन मेरे में लगा हुआ है वो क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम एक दूसरे को कृष्ण का कथा सुनाते हैं, एक दूसरे को कृष्ण का कथा सुनाते हैं। तो यहाँ गोपियां तो वही कर रही है, एक दूसरे को कृष्ण की कथा सुना रही है। तो बोधयंत परस्परम, और बोधयंत का दूसरा एक अर्थ है बोधयंत मतलब समझाना। तो यहाँ गोपियां समझा रही है, यशोदा माता को समझा रही है, जो कृष्ण के विरह में जो गोपियां बहुत दुखी हैं, कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पा रही है, उनको दूसरी गोपियां बोधयंत उनको प्रबोध करा रही है। प्रबोध करवाना, क्या प्रबोध, कि कृष्ण अभी ऐसा कर रहे हैं, कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। जो कृष्ण के विरह में जो रह नहीं पाते हैं, उनका कृष्ण के विरह में जिनको कष्ट हो रहा है उनको जीवन दान देना कृष्ण की कथा सुना के, वो है प्रबोधयंत। उसको बोलते बोध कराना। बोधयंत का अर्थ ये हुआ एक्चुअली, बोधयंत का रियल अर्थ यही हुआ जो गोपियां यहाँ पर कर रही है। बोधयंत परस्परम एक दूसरे को, एक दूसरे को बोधयंत, क्योंकि
सब गोपियों को भी रहा है, ये गोपी को भी रहा है, इस गोपी को भी रहा थी, ये गोपी उसको समझा रही है, वो गोपी उसको समझा रही है। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च, कथयंत मतलब कथा बोलना, एक दूसरे को बोलना, कृष्ण की कथा, माम मतलब मेरी कथा, नित्यम, नित्य मतलब हमेशा, तुष्यंती रमंती, इसी में उनको आनंद मिलता है। तो रमंती शब्द का यहाँ पर कौन सा शब्द है, रमंती शब्द के अनुसार इस श्लोक में रमंती कहाँ है, यह रे मेरे, रे मेरे मतलब रमंती, रमण किया गोपियों ने। इस तरह से जो गीता का जो श्लोक, गीता का प्राण स्वरूप गीता का श्लोक है, वो श्लोक यह है, 10वां अध्याय का श्लोक नंबर 9, गीता का प्राण स्वरूप है, वो श्लोक का ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन आया कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। इस प्रकार गोपियां दिन भर श्री कृष्ण के लीला गा रही थी और एक दूसरे को सुना रही थी, समझा रही थी, एक दूसरे के कष्ट को दूर कर रही थी। जब कोई व्यक्ति दूर रहता है, हमारे नजर से दूर रहता है, तो मन को सांत्वना के लिए क्या किया जाता है कि वो अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहे होंगे, यही सब चर्चा करके मन को सांत्वना दिया जाता है। तो इस अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कृष्ण का सुबह से लेकर शाम तक जो जो लीलाएं कृष्ण की हैं, कृष्ण वन में किस प्रकार गए और निकले कैसे घर से, के रास्ते में क्या क्या किया, वहां पर कहाँ पर गाय चराई, जमुना में गायों को पानी पिलाया, भोजन किया, उसके बाद विश्राम किया, पंखा झुला रहे थे, बच्चे लोग कृष्ण को हवा दे रहे थे, उसके बाद फिर विश्राम करके उठे, उन्होंने वन वेश पहना, नया वेश धारण किया, फिर कृष्ण ने गायों को पानी पिलाया, फिर स्त्री करते करते वापस आ रहे। तो कृष्ण का सुबह से शाम तक जो जो लीला थी उसका गोपियां चिंतन कर रही थी, और वो दिन भर की लीला गोपियों के श्रीमुख से सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। हम लोग सुखदेव गोस्वामी खुद भी बोल सकते थे कि कृष्ण सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, वो नहीं करके गोपियों के विरह रूपी श्रीमुख से, वहां से सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया कि कृष्ण क्या करते थे दिन भर, तो उससे और उसका महिमा बहुत बढ़ गया। तो हम लोग को कृष्ण का लीला का जो स्मरण करना होता है, कि अभी कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे, इस समय क्या कर रहे होंगे, तो स्मरण करने के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दिन भर का वर्णन है कृष्ण का, लीला का, इजीली हम लोग स्मरण कर सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम कृष्ण का स्मरण करें। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, गीता का अंतिम श्लोक है, इसमें कहा गया कि हमेशा मेरा मन मेरे में लगाओ, मेरे को स्मरण करो। तो वो स्मरण करने के लिए हमें कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना होता है, वो स्मरण करने के लिए दिन भर की लीला इस अध्याय में बहुत सुंदर से वर्णन है, इस अध्याय को हमें याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हमारे मन हो गया छे ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ ये था जय श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर तत्चित्ता और तन मनस का दो शब्द आया है ना, चित्त और मन हम लोग जनरली समझते एक ही है, चित्त और मन में अंतर क्या है, तत्चित्ता फिर लिखा तन मनस का, तो इसका तात्पर्य में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं ऐसा क्यों लिखा है। तो कहते तत्चित्तत्वेन तन मनस्कत्वेन सदा प्रेमार्था एव, गोपियां प्रेम से आर्त बनी, आर्त मतलब प्रेम, प्रेमार्थ है,
उनको गोपियों के प्रति, कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए इसलिए तो लीला गाने न महान उदया। जब वो श्री कृष्ण की लीला गा रही थी, गा रही है गोपियां, इसलिए क्या हुआ, महोदया, महोदया मतलब करें कि कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात जैसे आविर्भाव हो गया कृष्ण का, उनका मतलब गाते गाते श्री कृष्ण का साक्षात आविर्भाव हो गया, ऐसा अनुभव हुआ उनको। ततश्च तदागमन गानम तस्य रूप लीलादि गान क्रमेण चित्तावेशन दिनांते परोक्षत्वेपि साक्षादेव तस्य आविर्भाव। उसके बाद भी वो आगमन गान गा रही है, उनके रूप, उनके लीला इत्यादि गाते गाते उनमें चित्त उनका आविष्ट हो गया, गोपियों का गचित आविष्ट हो गया कृष्ण में। ये सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, बता रहे थे सनातन गोस्वामी, और हमारे चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि गोपियां इस तरह से विप्रलंब प्रेम, विरह का प्रेम आस्वादन कर रही थी, जिसमें दुखमय होता है और दुख दुख होता है विरह में, और उस तरह से क्या हुआ, तद आविष्ट जना, उनका मन कृष्ण में आविष्ट था, और आविष्ट होने से तन मनस का जैसे उनका कृष्णमय मन, उनका कृष्णमय हो गया था। तस्मिन् श्री कृष्ण एव चित्तम, ये जैसे उनका चित्त ही कृष्ण बन गए थे, तत्चित्ता कृष्ण ही जैसे उनके चित्त हो गए थे, ऐसा लग रहा है। कृष्ण उनके चित्त बन गए थे, कृष्ण उनके मन बन गए थे, इस तरह से बता रहे हैं हमारे चक्रवर्ती ठाकुर की परम पुरुषार्थ, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, प्रेम का वो लोग आस्वादन कर रहे हैं गोपियां, यही बात लिखी है तात्पर्य में। बाकी तो मेरे पास अभी किताब नहीं है, साथ में मैं बाहर आया हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए जो भी दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्ण, ठीक है, हरे बोल, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम अगला अध्याय आरंभ करेंगे कल से, अध्याय 36।